हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो राबिया के ब्लॉग्स में आप सबका एक बार फिर से वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मार्केट जैसा, रेस्टोरेंट जैसा छोला रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसको ट्राई करिएगा, ये बिल्कुल ही रेस्टोरेंट जैसा आपको लगेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम्स ये छोला चना है। ये ओवरनाइट मैंने सोक करके रखा हुआ था, 500 ग्राम्स है। इसके बाद अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट, और 1 टीस्पून मैंने एक कॉटन के क्लॉथ में इसकी एक पोटली टाइप की बना ली है 1 टीस्पून चाय की पत्ती से, और वो उसमें मैं ऐड कर दूंगी। और अगर आपने 500 ग्राम्स चिक पीज लिए हैं तो ध्यान रहे कि आपको 500 ml ही वाटर लेना है, उतना ही वाटर लेना है सेम क्वांटिटी में। तो ये देखिए, मैंने इसकी इसी में चाय पत्ती की मैंने यहाँ पे पोटली रेडी कर ली है। और अब मैं ये पोटली रेडी करके मैं इसको छोले चने में मैंने इसको ऐड कर दिया है। अब ये सारी चीज़ें मैंने एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है। प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र करने के बाद मैं इसे हाई फ्लेम पे लिड को कवर करके 1 विसिल आने तक मैं कुक करूँगी, एंड देन 15 मिनट्स तक फ्लेम को लो करके मैं इसको कुक करूँगी। आफ्टर 15 मिनट्स मुझे प्रेशर को इट सेल्फ ही रिलीज होना देना है। तो ये देखिए, जो हमारे चने हैं, चिक पीज हैं, वो अच्छे से गल चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने जो पोटली रेडी की थी, जो पोटली मैंने इसमें डाली थी, वो मैंने इसको निकाल के अलग कर दी है। तो अब हम चलिए इसका ग्रेवी रेडी करते हैं। यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी लिया है, 1 चम्मच यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 चम्मच यहाँ पे नमक है, 1 चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च है, और 2 टीस्पून यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर लिया है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई स्पाइसेस भी लिए हैं, 3 से 4 तेज पत्ते हैं, 1 इंच सिनेमन स्टिक है, और 1 चम्मच जीरा है। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज की टोमेटो प्यूरी बना ली है, और 3 मीडियम साइज की अनियन का पेस्ट बना लिया है, और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक पैन में 1 कप ऑयल ऐड किया है, एंड जब हमारा जो ऑयल है वो हीट अप हो जाएगा तो मैं इसमें ड्राई स्पाइसेस को ऐड कर दूंगी, ताकि जो इसकी जो एरोमा है वो ऑयल में आ जाए। तो उसके बाद 1 मिनट सौते करने के बाद ड्राई स्पाइसेस को लो फ्लेम पे मैं इसमें अनियन पेस्ट ऐड करूंगी, और अनियन पेस्ट को ऐड करने के बाद मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे 5 मिनट्स तक स्टर करते हुए सौते करूंगी, जब तक कि जो अनियन का कलर है वो थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता है। आफ्टर दैट यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का जो पेस्ट है मैंने वो ऐड कर दिया है। उसको ऐड करने के बाद अगेन मैंने इसे 1 से 2 मिनट के लिए सौते किया है, एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने जो हमारी जो प्यूरी रेडी की हुई थी वो मैं ऐड करके इसको अच्छे से चला रही हूँ। और साथ ही यहाँ पे मैंने कुछ ग्रीन चिलीज लिए हैं, 5 से 6 चॉप की हुई, और ये जो सारे हमारे पाउडर्ड स्पाइसेस हैं ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड करूँगी, 1/2 कप वाटर आप ऐड कर लीजिए, और इसको अच्छे से सौते करिए ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से भुन जाए और जो ऑयल है वो सरफेस पे ना आ जाए, जब तक मुझे इसे सौते करते रहना है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून छोला मसाला लिया है, आप इसको किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, इट्स अप टू योर चॉइस। ये भी मैंने ऐड कर दिया है इसमें, और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से सौते करती रहूँगी ताकि जब तक ये हमारा मसाला भुन ना जाए। इसमें कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे, लो फ्लेम पे करना है, याद रहे आपको। तो ये देखिए, जो हमारी ग्रेवी है, जो हमारा मसाला है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें ग्रेजुअली जो हमारे जो चने हैं वो ऐड कर दूंगी, और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी, और इसकी कंसिस्टेंसी, इसमें कितना वाटर ऐड करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग रखिए। और ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैं लिड से कवर करके इसको 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक करूँगी, ताकि जो मसाला है वो हमारे चनों में एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद मैं इसे फ्रेश कोरिएंडर लीव से इसको गार्निश कर दूंगी, एंड आफ्टर दैट आप इसको एक किसी भी पॉट में इसको आप ट्रांसफ़र कर लीजिए, और इसको गर्मा गर्म भटूरे के साथ सर्व करिए। ये बहुत ही टेस्टी होता है छोले भटूरे, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत टेस्टी होता है। तो मैं भटूरे की रेसिपी बहुत जल्दी